पर देख सकते हो इस एप्लीकेशन की तरफ से हमें पूरा 1.5 लाख रुपए का यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी आ चुका है एंड इस एप्लीकेशन की तरफ से हम लोग जो 1.5 लाख रुपए से हम लोग इससे जो ग्राफ कर सकते हो। तो इस वीडियो पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। इस एप्लीकेशन के लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है एंड ये जो पैसा आपको कितने देर में आपके अकाउंट पर आएगा, सारा डिटेल्स वीडियो पर बताने वाले। तो वीडियो को आप लोग डेफिनेटली एंड तक देख लेना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर लोन का जो अमाउंट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, साथ में आप लोग यहाँ पर मिनिमम जो अमाउंट आप लोग ले सकते हो देख सकते हो 10,000 रुपीज है एंड मैक्सिमम आप लोग जो 1.5 लाख रुपीज ले सकते हो। ये जो आपका ऑफर आई है यहाँ पर आपका जो आधार एंड जो पैन है इसको वेरीफाई करके आपको यहाँ पर अमाउंट दिया जाती है एंड यहाँ पर देख सकते हो कंग्रेचुलेशन ऊपर में आ चुके हैं, कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर द स्पेशल ऑफर। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो लोन अमाउंट है कितना आ चुका है एंड मैं जो मिनिमम इतना ले सकता हूँ एंड मैक्सिमम मैं इतना ले सकता हूँ। तो इस वीडियो पर मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँ लेकिन कैसे आप लोग इस पे जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते, कैसे आपका जो अप्रूवल आएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हो कि ये जो अमाउंट है इसका जो मेरे पास यहाँ पर जो है 2 EMI का भी प्लान आ चुका है। अगर आप लोग नीचे पे देखोगे देख सकते हो, एक है 18 मंथ के लिए जो मुझे यहाँ पर 10,000 रुपीज की यहाँ पर EMI भरना है, एक है 15 मंथ के लिए जिसपे मुझे 12,000 की एक EMI भरना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है पैसा मिल जाती है। तो कौन सा एप्लीकेशन है सारा डिटेल्स वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन पे आपको जो 5,000 रुपीज से लेकर आपको जो 10 लाख रुपीज के बीच में आपको लोन ऑफर देखने के लिए मिल जाती है। साथ में आप लोग इसका जो टेन्योर आप लोग 3 मंथ से लेकर 60 मंथ तक आप लोग इसको कर सकते हो। तो साथ में इसका जो एनुअल परसेंटेज रेट है वो भी बहुत कम है, इस पर 10% पे आपका एक्स्ट्रा हो जाती है एंड मैक्सिमम आपका 39% पे खत्म हो जाती है। यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा खासा होगा तो डेफिनेटली आपको 12% 15% पे आपको लोन देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत मतलब डाउन है तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा एंड इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई अगर आप लोग करते हो ना तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर लोन जो है अप्रूव हो जाती है, क्योंकि इस एप्लीकेशन पे आपको 15 लेंडिंग पार्टनर मिल जाती है जो आपका लोन यहाँ पर प्रोवाइड करती है। देखो एक एप्लीकेशन पे आपको 15 लेंडिंग पार्टनर मिल जाती है, इसका मतलब इस एप्लीकेशन पे आपको 100% लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा एंड इस एप्लीकेशन से आप लोग लोन ले सकते हो। एंड अभी बात करते हैं इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए इसका जो एलिजिबिलिटी है, आप एक जो पैन इंडिया कस्टमर होना चाहिए, यानी कि आप एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। साथ में आपका जो एज है वो जो 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका एज 21 साल है तभी जगह आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इस एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो सिविल है सिविल स्कोर आपका 650 के ऊपर होना चाहिए तभी जगह आपको इस एप्लीकेशन पे लोन देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी बात कर दी गई तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी, साथ में आपको डॉक्यूमेंट की बात करें यहाँ पर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट देखने के लिए मिलेगा, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप अभी देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन का लिंक होगा मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा, या फिर एप्लीकेशन का जो नेम क्या है वो मैं आपको वीडियो पर ही बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहो। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करके मोबाइल नंबर देकर लॉग इन कर दो, आपको सिंपल से अपना KYC करना होती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर एंड आपका पैन कार्ड नंबर डाल के आपको ऊपर KYC कर लेनी है। जैसे आप कर लोगे आपके सामने अप्लाई लोन का ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप लोग अप्लाई करोगे आपके सामने आपका जो एलिजिबिलिटी वो चेक किया जाएगा एंड आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हुए आपको यहाँ पर एक लिमिट दे दिया जाएगा। जैसे कि देख सकते हो मेरे पास आ चुका है कि जो मैं जो यहाँ पर मिनिमम जो 10 रुपीज ले सकता हूँ एंड मैक्सिमम यहाँ पर 1.5 लाख रुपीज तक मैं इससे ले सकता हूँ। अभी मुझे अगर मान के चलो मुझे अभी 50,000 रुपीज की नीड है तो मैं सिंपल से इसको इस तरीके से ग्रैब करके यहाँ पर 50,000 लाकर मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। उस दौरान हमारा जो EMI का प्लान है वो भी चेंज हो जाएगा, आपको पता है। देन अभी बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन पे जैसे आप लोग मान के चलो आप अपना KYC डिटेल सबमिट करने के बाद जैसे आप लोग अप्लाई कर लोगे आपके सामने सिंपल से इस तरीके का लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर 1.5 लाख का अप्रूवल सिंपल से अगर आप लोग नीचे पे देखोगे देन आपको यहाँ पर दिखाई दिया जाती है कि कंफर्म एंड पोसिट। ये जो कंफर्म एंड पोसिट है आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस टाइप का पेज आ जाएगा जहां पर आप लोग देख सकते हो सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपकी डालनी होगी। वैसे तो हमने सिर्फ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड का नंबर डाली है बट अभी फिलहाल हमने कोई भी चीजें नहीं डाली है। सिंपल से आपको यहाँ पर सबसे पहले बेसिक डिटेल्स भरना होगा, देन आपका KYC यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, देन आपको यहाँ पर सेटअप करना होगा ऑटो डेबिट को, यानी कि ईनेस सिस्टम को आपको यहाँ पर एनेबल करना होगा, देन आपको रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा एंड आपका जो लोन है यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा एंड आपकी बैंक खाते पे क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल से आपको ये जो लेट गेस्ट स्टार्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ स्टेप का ऑप्शन आ जाएगा जिस पे देख सकते हो यहाँ पर सबसे लिखे हुए कि प्लीज वेट, आपको 60 सेकंड का वेट करना है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका जो सेंट्रल KYC है CKYC डिटेल्स है उसको वेरीफाई किया जाएगा एंड आपके सामने ऑटोमेटिकली आपके सामने आपका जो KYC डिटेल्स होगा वो आपके सामने आ जाएगा। सिंपल से वेट कर लेना, आपके सामने आपका जो KYC डिटेल्स है आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हो मेरा जो नेम यहाँ पर आ चुका बट मैं इसको हाइड करके रखूंगा। देन मेरे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, देन मेरा जो एड्रेस है यहाँ पर पूरा एड्रेस यहाँ पर आ चुका है।
सिंपल सा आपको ये जो चेकबॉक्स थी इसको आपको चेक कर देना है, एंड जो कंफर्म का बटन है इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे आपके सामने इस टाइप का पेज आ जाएगा, जिस पे आपको कुछ यहाँ पर बेसिक से डिटेल्स जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस, आपका फादर नेम, आपका मदर्स नेम, आपका हाउसिंग टाइप क्या है, आपका खुद का हाउस है या फिर रेंट का हाउस है, देन आपको यहाँ पर पर्पस पर लोन, लोन का पर्पस क्या होने वाले, सिंपल से आप लोग इस पर बिजनेस वगैरह सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद सिंपल से आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने फिर से इस टाइप का पेज आ जाएगा, जिस पे आपको अपना जो KYC जो आपका एक सेल्फी हो वो अपलोड करना होगा। सिंपल सा आपके सामने आ जाएगा, आपको यहाँ पर अपना एक सेल्फी ले लेना है। जैसे कि मैंने इस पर मेरा जो इस टाइप से सेल्फी लिया है, देख सकते हो ये जो सर्कल आ रही है इसके अंदर पे आपका जो मतलब चेहरा है वो रहना चाहिए। जैसे आप लोग इसको सिंपल से इस पर क्लिक करके आप इस पर अपना एक सेल्फी ले लोगे, लेने के बाद आपका जो सेल्फी कुछ स्टेप से देखने के लिए आ जाएगा। आपको सिंपल से इस पर राइट पे क्लिक कर देना, अदरवाइज आप लोग फिर से इसको रीटेक ले सकते हो। तो हम लोग सिंपल से राइट कर देंगे क्योंकि जो सेल्फी है बिल्कुल सही है। जैसे आप लोग राइट पर क्लिक करोगे आपको सिंपल से यहाँ पर आ जाएगा कि आप जो है अपना जो बैंक अकाउंट है इसको सिलेक्ट करो, आप कौन सी बैंक पे आप अपना पैसे को लेना चाहते हो। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस पे बैंक पे क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर इस टाइप का पेज आ जाएगा। सिंपल से हमें यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस टाइप का पेज आ जाएगा जिस पे आपको अपना बैंक डिटेल्स एंटर करना है, जिस भी बैंक खाते पे आप पैसा लेना चाहते हो। जैसे ही आप अपना जो है बैंक डिटेल्स इस पे एंटर करोगे आपका जो डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, एंड सिंपल से आपको ये जो वेरीफाई का बटन है नीचे पे आपको इस पे कर देना है क्लिक। क्लिक करते आपका जो अकाउंट है वेरीफाई किया जाएगा, एंड वेरीफाई होने के बाद आपकी अकाउंट पे 1 रुपीज या फिर 2 रुपीज सेंड कर दी जाएगी अकाउंट वेरीफिकेशन के लिए। जैसे ही आपका पैसा यहाँ पर रिसीव हो जाती है 1 रुपीज या फिर 2 रिसीव, आपका जो बैंक यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाती है। देन आपका अकाउंट वेरीफाइड होने के बाद सिंपल से आप लोग वेट करोगे, देन आपके सामने कुछ स्टेप के पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको अपना ई मैंडेट जो प्रोसेस है इसको आपको कंप्लीट करना होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आ चुका है कि हमारा जो लोन का अमाउंट है कितना है यहाँ पर ऊपर में आ चुका है। देन हमारा जो यहाँ पर जो इनेबल डेट है कौन सी मतलब साल की वो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका बैंक नेम, आपके अकाउंट नंबर, आपका नेम, IPC कोड, अकाउंट का टाइप यहाँ पर आ जाएगा। एंड आप लोग इस वेरिफिकेशन मेथड को डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, एंड आधार कार्ड से भी कर सकते हो। तो यार मैं यहाँ पर आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग का कोई भी मतलब चीज़ें नहीं है ना, तो आप लोग एक काम करना, आप लोग इस पर सिंपल सा जो आपके पास यहाँ पर जो आधार कार्ड का ऑप्शन है जो आधार कार्ड पे सिलेक्ट करके आप अपना सिंपल सा आधार नंबर डाल के OTP डाल के आप जो है ये जो ईनेस सिस्टम है इसको आप लोग इनेबल कर सकते हो। तो सिंपल सा मैंने जो नेट बैंकिंग से किया था तो आपको यहाँ पर कर लेनी है। जैसे आप लोग सबमिट करोगे आपको सिंपल सा कुछ यहाँ पर डिटेल्स भर देनी है। जैसे आप लोग डिटेल्स भरोगे आपके सामने इस टाइप का पेज आ जाएगा जहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर जो हमारा जो लोन अमाउंट यहाँ पर शो हो चुका है। देन हमें यहाँ पर लोन एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर मिल जाएगा, लोन आईडी आपका मिल जाएगा, यानी कि लोन आईडी मिल जाएगा आपको, मतलब आपका जो लोन है पर सक्सेसफुल हो चुका है। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने इस पर कर दी है, हमने यहाँ पर ईनेस सिस्टम को हमने यहाँ पर इनेबल कर दिया है। देन हम लोग सिंपल से रिव्यू एंड सबमिट के ऊपर हमने क्लिक किया है, एंड यहाँ पर हमारा जो लोन है अभी फिलहाल इन प्रोग्रेस पे है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है, विद इन 5 मिनट आप लोग वेट कर लेना। जैसे आप लोग वेट कर लोगे आपका जो स्टेटस है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये वाला कंप्लीट हो जाएगा देन आपके सामने मनी ट्रांसफर टू बैंक का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा इन प्रोग्रेस। जैसे आपका यहाँ पर इन प्रोग्रेस आ जाएगा इसका मतलब आपका जो पैसा है वो सेंड किया गया है। एंड जैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे आपका जो पैसा है डिसबर्स आ चुका है, इसका मतलब आपका जो पैसा है आपकी बैंक खाते पे भेज दिया गया है। एंड विद इन 24 आवर्स के अंदर आपकी पैसा आपकी बैंक खाते पे क्रेडिट हो जाएगा। देखो ये जो पैसा है 24 आवर्स क्यों लेता है, देखो अगर आपका मन के चलो लोन अमाउंट थोड़ा बहुत हाई होगा तो डेफिनेटली आपके ऊपर थोड़ा बहुत टाइम आपके ऊपर देना होती है। बट अगर आपका लोन अमाउंट लो होगा तो डेफिनेटली आपको इंस्टेंटली या फिर 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जो पैसा होगा आपकी बैंक खाते पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। होप कि यार इस वीडियो में मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया कि कैसे आप लोग इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड मैंने आपको यहाँ पर अप्रूवल के साथ मैंने आपको दिया है कि मुझे यहाँ पर पूरा 1.5 लाख का यहाँ पर ऑफर आ चुका था। तो डेफिनेटली आप लोग भी जाकर ट्राई कर लेना, अगर आपको लोन रिजेक्ट हो जाते तो जरूर से कमेंट करके बताना, साथ में आपको कितने का अप्रूवल आती है वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। तो यार फ्रेंड एप्लीकेशन का जो नेम है मनी व्यू, तो यार डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।